Welcome to a new lesson. It's an overview of the phrases and words used for obligation, permission, prohibition. If you want to give a permission and if anything is obligatory, it's an obligation or a prohibition, you want to prohibit someone for something, what kinds of structures, what kind of modal verbs are used. आज हम डिस्कस करेंगे कि परमिशन देनी हो किसी को, इजाज़त देनी हो किसी काम की, किसी काम के लिए किसी को अलाउ करना हो, ऑब्लिगेशन के बारे में बात करनी हो, यानी कोई चीज़ नेसेसरी हो, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो, आप पर वाजिब हो, या किसी को किसी काम से मना करना हो, प्रोहिबिटेशन, तो उसके लिए किस तरह जुमले बनते हैं और कौन से अल्फाज इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले परमिशन की बात करें, यानी इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप अलाउड हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन मिल जाए तो यू आर परमिटेड टू डू समथिंग। फॉर एग्जांपल एक नोटिस है, जैसे यहाँ पर देखिए, स्मोकिंग इज परमिटेड इन दिस एरिया, स्मोकिंग इज अलाउड इन दिस एरिया, यहाँ पर स्मोकिंग करना आपके लिए ओके है, आप यहाँ पे स्मोकिंग कर सकते हैं। किसी एरिया में स्मोकिंग अलाउड होती है, किसी एरिया में सिगरेट पीना अलाउ नहीं होता। यू कैन स्मोक हेयर, ओके। ऐसे हम किसी पार्क में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है अमूमन कि यहाँ पे स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है, तो क्या वर्ड यूज होते हैं परमिशन देने के लिए? कैन, अलाउड, मे, परमिटेड। क्या डिफरेंस है कि अलाउड और परमिटेड के साथ टू यूज होता है, और कैन और मे ये दो वर्ड्स हैं, ये एक्चुअली मॉडल वर्ब्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कैन और मे, कैन और मे, ठीक है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं हम परमिशन देने के लिए, मगर इनके साथ टू नहीं आता। जैसे यूं तो कहेंगे यू आर अलाउड टू स्मोक हेयर, यू आर अलाउड टू स्मोक हेयर, यानी अलाउड के बाद टू आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा यू कैन टू स्मोक हेयर, बल्कि आएगा यू कैन स्मोक हेयर, ओके, यू कैन स्मोक हेयर। अगर माजी की बात करेंगे, पास्ट में या फ्यूचर में बात करेंगे किसी चीज़ को अलाउ करने के हवाले से, या हमें वो चीज़ अलाउ है, तो हम कैन की जगह कुड यूज़ करेंगे माजी के लिए, या वाज अलाउड टू, जैसे यू आर अलाउड टू, यू आर अलाउड टू, और फ्यूचर के लिए विल बी अलाउड टू, ओके। कैन का फ्यूचर नहीं आता। व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा सा बच्चा था, आई वाज अलाउड टू स्टे अप अंटिल 11 PM ऑन फ्राइडे नाइट्स, मुझे जुम्मे की रातों को यानी रात जागने की जो इजाज़त थी वो 11 बजे तक थी, 11 रात की 11 बजे तक मैं जुम्मे की रातों को जाग सकता था जब मैं छोटा था, और उसके बाद मुझे फिर सुला दिया जाता था, या मुझे इजाज़त नहीं थी मज़ीद जागने की। वील बी अलाउड, बी वर्ड आएगा, वी विल बी अलाउड टू चेक टू सूटकेसेस ऑन फ्लाइट, वील बी अलाउड टू चेक टू सूटकेसेस ऑन द फ्लाइट, यानी हमें सिर्फ दो सूटकेसेस रखने की, यानी कि सबमिट कराने की इजाज़त होगी फ्लाइट में, बाकी हम नहीं ले जा सकते। ऑब्लिगेशन की बात करें तो ऑब्लिगेशन होता है नेसेसिटी को शो करता है, ज़रूरत को शो करता है, यानी कि ये चीज़ आप पर लाजमी है, ये चीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है, वाजिब के माना में आता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई फॉर्म है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें फ़ोटो रिक्वायर्ड होती है, तो हम कहते हैं वहाँ लिखा होता है फ़ोटो इज़ रिक्वायर्ड, योर फ़ोटो इज़ रिक्वायर्ड ऑन पासपोर्ट, योर फ़ोटो इज़ रिक्वायर्ड ऑन योर CNIC, योर आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सो यू हैव टू शो योर फोटो, यू हैव टू शो योर फोटो आईडी, यू हैव टू शो योर आईडी कार्ड
वैन यू चेक इन, जब आप किसी जगह एंटर हों तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ कोई पास शो करने के लिए आपके लिए वो नेसेसरी होता है, वो ऑब्लिगेशन होती है। तो कौन से इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं ऑब्लिगेशन के लिए? हैव टू, नीड टू, मस्ट, रिक्वायर्ड। ये मस्ट, हैव टू और नीड टू, ये मस्ट तो प्योरली मॉड्यूल वर्ब है, मॉड्यूल वर्ब्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, और ये हैव टू और नीड टू ये भी मॉड्यूल वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये सेमी मॉड्यूल वर्ब्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। कहीं पे अगर लाइट रिक्वायरमेंट हो, यानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ना हो, तो उसके लिए सपोज टू और नॉट सपोज टू इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे वी आर सपोज टू अराइव ऑन टाइम, यानी हमें वक्त पर पहुँचना होता है, बट इट्स ओके इफ वी आर लेट, a little late, but it's okay if we are a little late. यानी ये बात भी चल जाती है कि अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाएं, क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉस है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, थोड़ा सा वो चिल वाला बंदा है, कूल बंदा है, ज़्यादा सख्ती नहीं करता। और बॉस इज प्रिटी रिलैक्स, प्रिटी मीन्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स। द एम्प्लॉइज aren't supposed to eat lunch at their desks. जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं ऑफिस में, वो यानी कि उन्हें ज़्यादा अलाउड नहीं है, उनको ये सख्ती से तो मना नहीं किया, लेकिन उनको मना किया हुआ है माइल्डली कि वो अपने डेस्क पर, अपनी सीटों पर खाना नहीं खाएंगे, बल्कि एक जगह बनाई हुई होगी वहाँ खाना खाएंगे। बट अ लॉट ऑफ देम डू सो एनी वे, मगर बहुत से फिर भी खाते हैं खाना अपनी डेस्क पर ही, इसलिए बहुत सख्ती नहीं है, वरना वो अपनी डेस्क पे खाना नहीं खाते। बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है, मना किया लेकिन बहुत सख्ती से मना नहीं किया। तो aren't supposed to यहाँ पर आया, not supposed to वाला। Prohibition, prohibited, prohibit यानी कि किसी काम से किसी को मना करना, यानी it's not okay, यानी ये allowed नहीं है। You are not allowed to swim here, कोई झील है ऐसी जो कि ख़तरनाक है, उसका पानी या तो कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो सेहत के लिए नुकसानदेह, या वो बहुत गहरी है, या वो ख़तरनाक झील है, तो वहाँ पर लिखा होता है यू आर नॉट अलाउड टू स्विम हेयर, यू आर नॉट अलाउड टू स्विम हेयर, यू आर नॉट परमिटेड टू स्विम हेयर, यू आर नॉट अलाउड टू स्विम हेयर, यू मस्टंट स्विम हेयर, यू कांट स्विम हेयर, कांट, मस्टंट और नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड, ये अल्फाज यूज होते हैं। मस्ट नॉट को मस्टंट पढ़ते हैं, और मस्ट का जो टी है पहला, यानी जो शुरू में मस्ट में आता है, वो साइलेंट होता है। अगर नो ऑब्लिगेशन की बात करें तो वो होता है इट्स नॉट नेसेसरी। यानी यहाँ पर कोई चीज़ आपकी मर्जी पर छोड़ दी जाए, कोई आप पर कैद ना लगाई जाए, जैसे यू डोंट नीड टू वेयर शूज हेयर। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको अलाउड होता है कि आप शूज़ पहने ना पहने, आपकी मर्जी है, सो यू डोंट नीड टू वेयर। तो डोंट नीड टू, डोंट हैव टू, नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, वेयरिंग शूज इज नॉट नेसेसरी हेयर, वेयरिंग शूज इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, डोंट वेयरिंग शूज इज रिक्वायर्ड हेयर। ओके, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ बातें की जा सकती हैं। यू डोंट हैव टू वेयर शूज हेयर, ओके, आपको यहाँ पर शूज़ पहनना ज़रूरी नहीं, या कहा जाता है कि ये चीज़ ऑप्शनल है, वेयरिंग शूज़ हेयर इज़ ऑप्शनल, यानी आपकी मर्जी आप पहने या ना पहने। इनमें आज जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, इनके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।